हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। जो भी आप कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। वर्ग 3 की आपकी तैयारी चल रही है और उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उन पर मैं वीडियो ला रहा हूं। आज का क्वेश्चन ये है, एक बहन ने पूछा था कि सर ये बताएं कि हम ऑनलाइन तैयारी जो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से चैनल्स जो जेन्युइन हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं और बहुत सारी ऐप के माध्यम से आप पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए पूरी होगी या फिर हमें बुक से भी पढ़ना चाहिए? मींस आज का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि हमसे बुक से पढ़ाई जारी रखनी चाहिए कि ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है उसी से पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो डेफिनेटली दोस्तों, बुक से ज़्यादातर आपको पढ़ाई पूरी रखनी चाहिए, लेकिन ऑनलाइन जो भी पढ़ाया जा रहा है, जिस माध्यम से भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरा को देखते हुए जो कोचिंग क्लास हैं वो अधिकतर उस हिसाब से नहीं खुली हैं जैसे कि पहले ओपन हो जाती थी दोस्तों। तो अब आपके पास एक ही कोचिंग क्लास का ऑप्शन बचा है, वो है आपका ऑनलाइन क्लासेस, जो कि विभिन्न यूट्यूबर हैं वो भी आपको दे रहे हैं और विभिन्न ऐप के माध्यम से भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसका लाभ हमें उठाना है। लेकिन जो बुक्स है वर्ग 3 की, वो हमारा मेन आधार है, यानी कि फाउंडेशन क्या है आपकी बुक्स। अब बुक्स में जो भी टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, जो भी समझ में नहीं आ रहा है, पहले हम कोचिंग क्लास जाकर उन्हें क्लियर कर लेते, अब वो ऑप्शन लगभग ना के बराबर हो गया है। तो अब ऑनलाइन जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे आप सर्च कर सकते हो, जो भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं है उससे रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हो और उसमें किस हिसाब से समझाया गया है उस हिसाब से अपने आप को क्लियर कर सकते हो। लेकिन आपका जो बेस है वो बुक्स है, आपके नोट्स हैं जो कि आपने तैयार किए हुए हैं दोस्तों। तो नोट्स पर ज़्यादा विश्वास करना है जो कि आपने बुक से बनाए हैं, या आप सिर्फ बुक से ही तैयारी करना है तो उस पर पूरा विश्वास रखना है, उसे ज़्यादा ज़्यादा समय देना है। इसके अलावा जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है उन्हें ऑनलाइन सर्च करना है, उन्हें क्लियर करते हुए चलना है। इसके बाद आपको अपने ओल्ड एग्जाम पेपर हो गए, कोई भी टेस्ट सीरीज हो गई, उसे लगाकर ये देखना है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, यानी कि आप सही रास्ते पर तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें तो यही लगता है कि हमारी जो तैयारी वो अपने आप में बेस्ट है, लेकिन जब हम कोई भी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, कोई भी ओल्ड एग्जाम पेपर हल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस दिशा में है और कहाँ कहाँ कमी है, उन कमी को आप दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा जो आज का वीडियो था उसे समाप्त करूँ, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई आपकी बुक्स, जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपका आधार है दोस्तों, वो बुक्स जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, उसे ज़्यादा समय देना है। उसमें जो टॉपिक क्लियर नहीं है उन्हें ऑनलाइन जाकर सर्च करना है और वो टॉपिक आपको क्लियर करते हुए चलना है। साथ में टेस्ट भी लगाते चलना है जिससे आपको ये पता चलता रहे कि हमारी तैयारी कैसी है, और जहाँ पर भी जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है पहले बुक्स में उसे सर्च करें, और बुक्स में भी यदि समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन जाकर सर्च करें। तो हमारा जो आधार है या जो हमारा फाउंडेशन है या जो हमारी तैयारी की नींव है वो हमारी बुक्स है, तो बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है। और फिर उसके अलावा जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो वो भी समझते चलना है, क्लियर करते हुए चलना है, जिससे कि आपको बेहतर लाभ मिलेगा। तो आई थिंक आज मैं ये डाउट आपका क्लियर कर पाया हूंगा। इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आप दोनों से ही लाभ उठा पाएंगे, ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है उसकी बेस्ट तैयारी कर पाएंगे और जो ऑफलाइन आपके पास बुक्स है उनसे भी आप लाभ उठा ले जाएंगे। तो ये वीडियो ऐसा ही था, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।